प्रभु क्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज वर्ष का 26वां इतवार है और आज के तीनों पाठ हम सभी को ईश्वर की ओर मुड़ने के लिए, ईश्वर की ओर जाने के लिए, अपने पापों पर पछताते हुए, अपने दिल को प्रभु के सामने रखते हुए, ईश्वर के सामने रखते हुए, ईश्वर की शरण में जाने के लिए निमंत्रण देते हैं। तो आइए आज के इस तीनों पाठों पर, विशेष रूप से आज के सुसमाचार पर, जो मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 21 उसकी पद संख्या 28 से लेकर 32 तक जो हम सुनेंगे, इस पर हम मनन चिंतन करेंगे। एक बार अब्राहम लिंकन से मिलने के लिए उनका एक दोस्त आया और जैसे वो अब्राहम लिंकन के घर में प्रवेश किया, उसने देखा कि बगीचे में अब्राहम लिंकन बैठे हैं और पास ही में उनका लड़का, उनका बेटा खेल रहा है। और जब ये छोटा लड़का जब खेल रहा है तो काफी आवाज कर रहा था, तो अब्राहम लिंकन के दोस्त ने उस लड़के के पास जाकर कहा कि बेटा तुम चुपचाप रहना, बिना आवाज किए खेलना, बाद में मैं तुम्हें एक चमकीली घड़ी दूंगा। और यह बात सुनकर वो लड़का, अब्राहम लिंकन का बेटा, बहुत खुश हुआ और वो चुपचाप बैठकर खेलने लगा और अब्राहम लिंकन के साथ बैठकर बातें की। और जैसे उनकी बातें खत्म होगी तो अब्राहम लिंकन के दोस्त ने उनके बेटे से कहा, बेटा तुम चुपचाप बैठे, मुझे बहुत अच्छा लगा, शाबाश। और वो जाने ही वाला था कि अब्राहम लिंकन ने उनसे पूछा, मेरे दोस्त, आपने मेरे बेटे को चमकीली घड़ी देने का वादा किया था, कि आप वो वादा पूरा नहीं करेंगे? तो उसने कहा, नहीं, मैंने ये वादा सिर्फ इसीलिए किया था कि वो मेरी बात को मान जाए और चुप रहे, और वो चुप रहा तो अब मुझे घड़ी देने की जरूरत नहीं है। तब अब्राहम लिंकन ने उनसे कहा, यदि आपने एक वादा किया है तो उस वादा को आप पूरा करिए। यदि आप इस वादे को अभी पूरा नहीं करते हैं तो कल जाकर मेरा बेटा भी यही सीखेगा कि वादा करना है लेकिन उसे निभाना नहीं है, काम होते ही वादे को हमें भूल जाना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज इस वक्त जब हम आज के सुसमाचार पर मनन चिंतन करेंगे, जहां पर प्रभु दो पुत्रों के दृष्टांत के बारे में समझाते हैं, पहले वाले से जाके कहते हैं कि जाओ मेरी दाखबारी में काम करो, तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, और सुसमाचार कहता है कि बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वो काम करने के लिए जाता है। फिर पिता दूसरे बेटे के पास भी जाता है, कहते हैं कि बेटा काम करने के लिए दाखबारी में जाओ, और वो कहता है जी हाँ पिताजी, और उसके बाद वो नहीं जाता है। हमारे जीवन में मैंने कितनी बार वादा किया है लोगों को, मेरे भाई बहनों को, लेकिन उस वादे को हमने नहीं निभाया है। आजकल के राजनीतिक क्षेत्र में हम देखते हैं कि वादा करना एक फैशन बन गया है। लोग बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन किसी को कुछ नहीं मिलता, बाद में वो कहते हैं कि ये तो सिर्फ जुमला था। क्या हम भी हमारे दैनिक जीवन में लोगों के साथ झूठे वादे करते हैं? आजकल कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वादे करते ही वादे तोड़ने के लिए होते हैं। क्या इसी मानसिकता में हम भी जी रहे हैं, जो वादा हम करते हैं यदि उस वादे को हम नहीं निभा सकते हैं तो कौन हम पर विश्वास करेगा? प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम देखते हैं कि यहां पर पहला बेटा, जितना उसने वादा किया, जितना उसने कहा, उससे कहीं ज्यादा उसने करके दिखाया। ऐसे भी लोग हमारे समाज में रहते हैं, हम देखते हैं, हैं अभी भी, जो वादा करते हैं लेकिन जो वादा किया उससे कहीं ज्यादा वे उस वादे को निभाते हैं, उससे ज्यादा कुछ काम करते हैं। पहले बेटे के समान उसने कहा कि नहीं जाऊंगा, लेकिन बाद में गया, उसने काम किया, अपने पिता की इच्छा को पूरी की। और ऐसे भी लोग हमारे समाज में हैं, वो सिर्फ वादे के ऊपर वादा करते जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं निभाते हैं। ये जो आज के सुसमाचार में दूसरा बेटा है उसके जैसे लोग हैं।
प्यारे भाई और बहनों, नकारात्मक उत्तेजना से प्रेरित होकर पहले बेटे ने अपने पिताजी से साफ कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। एक प्रकार से पिता को उसने नकारात्मक रूप से जवाब दिया। पिता को दुख हुआ होगा जब मेरा बेटा मेरी बात नहीं माना। मेरे बेटे ने मुझे मुंह पर कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, सख्त मना किया। उसका जवाब बहुत कठोर था, लेकिन उसे बाद में पश्चाताप हुआ। वो पछताया कि उसने मन ही मन सोचा होगा कि मैंने मेरे पापा के, मेरे पिताजी के दिल को मैंने दुखाया। इसलिए वो पश्चाताप करते हुए पिताजी का जो काम था उसे करने के लिए वो जाता है। लेकिन दूसरा बेटा, जैसे पिताजी कहते कि जाओ, वो कहता है कि मैं जाऊंगा। शायद उस समय उसका पिताजी खुश हुआ होगा कि कम से कम मेरे छोटे लड़के ने तो मेरी बात मानी। लेकिन वो सिर्फ बातों से पिताजी को खुश किया उसने, लेकिन अपने कार्यों से उसके पिताजी को उसने खुश नहीं किया। आज आपको और मुझे इस बात पर मनन चिंतन करना है कि मैं कौन से स्थान पे खड़ा हूं, पहले बेटे के स्थान पर हूं या दूसरे बेटे के। दोनों ने गलतियां की है, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि एक लड़का जिसने मना किया या सिर्फ उसी की गलती है, जिसने हाँ जी पिताजी बोला कि उसकी गलती है। नहीं, एक ने, पहले वाले ने कठोर जवाब दिया अपने पिताजी को जो कि पाप है, गलत है, और दूसरे ने एक झूठा वादा किया अपने पिताजी से। दोनों गलत है, लेकिन इन दोनों बेटों को हम उनके कार्यों से अलग दृष्टि से देखते हैं। एक छोटा लड़का जो खराब था या कि जो बुरा था वो अच्छा बन जाता है। जो पिताजी को नकारात्मक रूप से जवाब देता है उसके शब्द नकारात्मक थे, लेकिन उसके कार्य सकारात्मक रूप से बदल जाता है। वो अपने दिल को बदलता है, अपने कार्यों को बदलता है। कह सकते हैं कि वो बुराई से अच्छा बन जाता है। और दूसरा लड़का, छोटा लड़का, वो बदलता नहीं है, कहें तो कि वो बुरा से और बुरा, बदतर हो जाता है वो, क्योंकि उसने अपने पिताजी की आज्ञा को नहीं माना। इसलिए संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 6 उसकी पद संख्या 46 में प्रभु कहते हैं, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं वे सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु प्रभु कहकर पुकारना बहुत आसान है, जी हां कहना बहुत आसान है, लेकिन उस काम को कर दिखाना बहुत ही मुश्किल है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए हमें उस दूसरे बेटे के, पहले बेटे के समान, जिसने पश्चाताप किया, उसके अंदर एक बदलाव आया, उसने अपने किए पर पछताया और वो चला गया, पिताजी के काम को उसने पूरा किया है। लेकिन हम में से कितने लोग इस प्रकार की मानसिकता को रखते हैं, हम में से कितने लोग इस बात को अनुभव करते, महसूस करते हैं कि हाँ, मैंने गलत किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे अपनी गलती को सुधारना है। यदि इस प्रकार की हमारी सोच रहेगी तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज के सुसमाचार में देखते हैं कि प्रभु आगे जो कहते हैं कि यौहन बपतिस्ता जो आया, लोगों को पश्चाताप के लिए निमंत्रण दिया, और प्रभु कहते हैं नाकेदार, पापी, वेश्याएं, ये सब स्वर्ग राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। किससे पहले? यहां पर देखते हैं कि पहला बेटा उन सभी का प्रतीक है जो पापी हैं, जिनको प्रभु द्वारा पहले बुलाए जाने पर, सांसारिकता से अपने आप को दूर बुलाए जाने पर वो नहीं गए। संत अगस्तीन के जीवन में भी देखेंगे, कई बार उसकी मां ने उसको बताया, ईश्वर प्रभु यीशु, शायद उसकी मां अगस्तीन की मां मोनिका के द्वारा शायद काफी बार बात किया होगा, लेकिन तब भी अगस्तीन नहीं माना। समय लगा, लेकिन उसने अपने जीवन को मोड़ दिया प्रभु की ओर, वो संत बन गया। इसी प्रकार ये जो पापी थे, वेश्याई थे, उनको मालूम है कि हम गलत हैं, गलत कर रहे हैं, गलत के रास्ते पर जा रहे हैं, पाप के रास्ते पर हम चल रहे हैं, लेकिन वो सांसारिकता में इतने रम गए थे कि शायद उन्हें आध्यात्मिकता का जीवन नजर नहीं आ रहा था, शायद वो आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ नहीं रहे थे। आपके जीवन में, मेरे जीवन में कितनी बार हमारी अंतरात्मा हमें प्रभु की ओर मुड़ने के लिए, प्रभु की ओर जाने के लिए, सांसारिकता को त्यागने के लिए हमें बुलाते हैं, लेकिन कितनी बार हम इस बात को नकारते हैं।
प्यारे भाई और बहनों, पाप का एक बहुत ही मजबूत हथियार यह है कि वो समझता है, या वो जो पापी को यह समझाता है कि अब तुम्हारा कोई उद्धार नहीं हो सकता, तुम्हारे पाप इतने बढ़ गए हैं, तुम पाप के गर्त में इतने पड़ गए हो, तुम्हें ईश्वर अब से प्यार नहीं करेगा। ये हमें, हमारे अंदर का शैतान पाप हमें फुसलाता है, बहकाता है, हमारे साथ वो गलत वादा करता है, कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए बेहतर है कि तुम इसी दशा में बने रहो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु की दाखबारी में हम कभी भी जा सकते हैं। जैसे पिछले इतवार को हमने वो दृष्टांत सुना कि दाखबारी का मालिक अलग अलग समय पर जाता है लोगों को बुलाने के लिए, और अलग अलग समय पर लोग उसकी दाखबारी में जाते हैं और उन्हें तनख्वाह मिलती है, उनको वेतना मिलती है। ऐसा नहीं कि जो आखिरी समय गया उसे खाली हाथ लौटा दिया या कम मिला, नहीं, सबको भरपूर मात्रा में आशीष मिली थी। उसी प्रकार आपको और मुझे बस मुड़ना है प्रभु की ओर, चाहे हम सुबह मुड़े, दोपहर को मुड़े, या शाम को मुड़े, रात को मुड़े, चाहे हम जवानी में मुड़े, यौवन अवस्था में मुड़े, या बुढ़ापे में मुड़े, लेकिन मुड़ना है प्रभु की ओर, जाना है, अपने किए पर पछताना है। और जब हम पछताएंगे तब हम, प्रभु कहते हैं कि पापी लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, ये पहले बेटे जैसे हैं। और जो दूसरा बेटा है वो शास्त्री और फरीसी लोग, कभी कभी हम भी अपने आप को समझते हैं कि मैं ही बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं प्रवचन अच्छा से देता हूँ, लेकिन क्या है, हमारे सिर्फ वादे ही रह जाते हैं, वादे तक ही हम सीमित रह जाते हैं, लेकिन उस वादे को हम निभाते नहीं हैं। शास्त्री फरीसी लोग मूसा के नियम को भली भांति जानते थे, उसके अनुसार चलते थे, वो उनका पालन करते थे, लेकिन उनको उन्होंने कभी समझा नहीं, उन नियमों को उन्होंने कभी प्यार नहीं किया। इसलिए प्रभु कहते तुम इन शास्त्री फरीसियों जैसे मत बनो, जो अलग अलग प्रकार के नियम तो समझाते लेकिन अपनी उंगली से वो कुछ भी नहीं करते, अपने हाथों से कुछ भी नहीं करते। क्या मैं शास्त्री और फरीसी जैसा हूं, अपने आप को धर्मी समझता हूं, लेकिन जब वादे निभाने की बात आती है, उनको पूरा करने की बात आती है, धर्म ग्रंथ के वचन पर विश्वास करने की बात आती है, प्यारे भाई और बहनों, तब हमारा विश्वास, तब हमारे वादे कहां जाते हैं। इसलिए प्रभु हमें बार बार ये मौका देते हैं कि हम प्रभु की ओर मुड़े। इसलिए प्रभु के घर में देर है अंधेर नहीं, इसलिए कहते हैं। हमारी प्रार्थना की सुनवाई भले ही हमें लगता है कि नहीं सुनते, लेकिन सुनते हैं ईश्वर सही समय पर, हमारे समय पर नहीं, बल्कि ईश्वर ने जो समय निर्धारित किया है उसी समय पर प्रभु हमारी बातों को सुनते हैं। इसलिए हमें प्रभु की दाखबारी की ओर मुड़ना है, और प्रभु के दाखबारी में काम करने जाने के लिए किस बात को हमें अनुसरण करना है, उसको कहते हैं ओबीडियंस, आज्ञा पालन। यदि हमारे अंदर उस मालिक ने कहा जाओ मेरे दाखबारी में काम करो, मैं उचित मजदूरी दूंगा, उन्होंने उनकी बात को सुना, आज्ञा का पालन किया, वो गए और उनको उनकी तनख्वाह, उनका वेतना उनको मिल जाती है। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए हम कभी भी कहीं पे भी प्रभु की ओर मुड़ सकते हैं, प्रभु हमें अपनाने के लिए तैयार है। उस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में भी प्रभु यही समझाते हैं हमें, बल्कि हमें एहसास होना है, जैसे उस बेटे ने एहसास किया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके विरुद्ध अपराध किया है, वो मुड़ गया, वो उठा और पिता की ओर, पिता की घर की ओर मुड़ गया, वो यानी कि अंधेरे को, पाप के बंधनों को, सांसारिकता को उसने त्याग दिया और पिता के प्रेम की ओर आकर्षित होकर वो चला गया। हम जानते हैं जैसे वो घर में पहुंचता है तो क्या हाल हो जाता है, पिता उसे आलिंगन करते हैं, सब कुछ उसे मिल जाता है। उसी प्रकार प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं ये ना सोचें देर हो गई है, अंधेरा हो गया, नहीं, प्रभु को अंधेरा भी अंधेरा नहीं है प्रभु के लिए। इसलिए वो मुझे और आपको देखते हैं, अक्सर बुलाते हैं, लेकिन हम पहले पुत्र के समान कभी कभी मना करते हैं, लेकिन पछताव करने का हमें मौका, अवसर प्रभु जरूर देते हैं। प्रभु की ओर मुड़ने का एक अवसर सभी को मिलता है, आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, यदि हमने उसको अपनाया नहीं है तो। बार बार हमें प्रभु मौका देते, हमारे दिल के दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं कि मेरी तरफ मुड़ो। और जब भी हम पाप स्वीकार करने के लिए जाते हैं, जब हम अपने मन में निश्चित कर लेते हैं कि मुझे पाप स्वीकार करना है, वो हमारे
प्रभु की ओर मुड़ने का संकेत है। प्यारे भाई और बहनों, इस संकेत को हमें जानना है, इस संकेत को हमें पहचानना है, महसूस करना है, तब जाकर प्रभु यही कहेंगे कि हम स्वर्ग राज्य के काबिल हैं। तो सबसे पहले आज के इस सुसमाचार पर मनन चिंतन करते हुए इससे हम चार बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें यह जानना है कि प्रभु मुझसे क्या चाहते हैं, ईश्वर मुझसे क्या चाहते हैं। ईश्वर ने ये जो मुझे जीवन दिया है, ये मेरे इस जीवन से किस मकसद के लिए प्रभु ने मुझे बनाया है, इस बात को हमें सबसे पहले याद रखना है। और दूसरी बात, इस आज के इस सुसमाचार से हम सीखते, हमें कभी भी दूसरे बेटे जैसा अनुसरण नहीं करना है कि वादा करके उसे नहीं निभाना, प्रभु की सिर्फ बातों को सुनना, उन पर नहीं चलना काफी नहीं है। इस हफ्ते हमने प्रभु के वचन को भी सुना, जो मेरी बातें सुनता है और उसके अनुसरण करता है वही है मेरी माता, वही है मेरा भाई बहन, प्रभु कहते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है बल्कि उसके अनुसार कार्य भी करना। और प्रभु ये भी समझाते हैं कि तुम जानते हो वो व्यक्ति किसके समान है जो मेरे वचनों को सुनता है और उस पर चलता है, उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर पहाड़ पर बनाया, जब घर बनाते समय स्ट्रांग या मजबूत नींव डालता है उसके समान है। मतलब सुनना और उसके ऊपर चलना दोनों साथ में होना चाहिए। और तीसरी बात, हमें अपने आप को धर्मी नहीं कहना, सेल्फ राइचियस कहते हैं, अपने आप को धर्मी मानना, अपने आप को संत मानना, हमें अपने आप को दीन बनाना है प्रभु के सामने। उस जब मंदिर में जब प्रार्थना करने के लिए जब वो चुंगी लेने वाला जाता है और कहता है कि मैं इसे योग्य नहीं हूँ, मैं पापी हूँ, और मंदिर के दरवाजे पर खड़े होकर उसकी इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो ईश्वर की ओर दृष्टि उठाकर कहें कि मुझ पापी पर दया कर, लेकिन वो जो फरीसी वह कहता है मैंने ये किया, मैंने वो किया, उपवास किया, दशमांश दिया, प्रभु कहते हैं ये नहीं बल्कि वही पापी अपने पाप से मुक्त होकर चला गया, क्योंकि उसने अपने आप को दीन बनाया, अपने आप को नम्र बनाया। पेत्रुस में भी यही कहा, प्रभु आप मुझसे दूर हो जाइए, मैं एक पापी हूं, और प्रभु कहते हैं कि डरो मत, आज से तुम मनुष्यों के मछुए बनोगे, मनुष्यों को पकड़ोगे। ये है जब हम अपने पापों से मुड़ते हैं, अपने पापों को त्याग देते हैं, तब प्रभु हमें नई जिम्मेदारी देते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को संत नहीं कहना मानना है, अपने आप को घमंड नहीं दिखाना है अपने अंदर। और आखिरी बात, जो आज का ये जो सुसमाचार है, जो अपने आप को पापी समझते हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, अपने आप को इस सांसारिकता में डूबे हुए हैं, अंधेरे में जो जकड़े हुए ऐसे समझते हैं, उनके लिए आज का सुसमाचार सचमुच में एक सुसमाचार है, एक खुशी का संदेश है कि प्रभु कहते हैं कि मेरी ओर मुड़ो, अपने गलतियों को महसूस करो, पश्चाताप करो। पहले बेटे के समान पछताया, लेकिन ईश्वर के कार्य को, अपने पिता के कार्य को उसने किया। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सुसमाचार के द्वारा हम अपने आप को यह दिलासा दें, अपने आप को ये बात समझाएं कि प्रभु की ओर में कभी भी मुड़ सकता हूँ, अभी शाम को, दोपहर को, कभी भी, लेकिन पश्चाताप करना है, ये महसूस करना है कि मुझे प्रभु की जरूरत है। पिता परमेश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम सबको अपनी आशीष एवं कृपा से भर दे, और इस सुसमाचार को अपने जीवन में उसे उतारने के लिए, अपने जीवन में सुसमाचार को जीने के लिए प्रभु हम सभी को प्रेरित करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।